करते इस वक्त एक और बड़ी खबर की रायपुर से खबर मिल रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस की आज बैठक हुई है। जी हां, रायपुर से खबर आपको दे रहे हैं। बता दें कि आपको कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री और सचिवगण की बैठक हुई। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। हार की समीक्षा को लेकर बैठक हुई। विधानसभा चुनाव में जो हार कांग्रेस की हुई है इसको लेकर ये बैठक हुई है। प्रदेश मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस की बैठक में जमकर गुस्सा भी फूटा। कार्यकर्ताओं का काम नहीं होने से कार्यकर्ता यहां पर गुस्सा भी हुए। एक पूर्व मंत्री कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार भी हुए। पदाधिकारियों ने कहा कि हमारी ही सरकार में नहीं हुआ काम। तो इस तरीके से गुस्सा भी यहां पर जाहिर तौर पर समझ में आया। हार क्यों हुई विधानसभा चुनाव में इसको लेकर समीक्षा भी की गई और लोकसभा चुनाव, जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी यहां पर बनती हुई नजर आई। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस के संयुक्त बिंदु पे नंबर एक संगठन को आगे कैसा मजबूत करना है, नंबर दो डोनेट फॉर देश, और नंबर तीन कि 28 तारीख को नागपुर में बड़ी रैली है उसमें सभी कार्यकर्ताओं को जाना है। इन तीन मुद्दों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक हुई और अच्छा बैठक हुई। ये हार की कोई समीक्षा हो रही है क्या? हार को लेकर कोई बात नहीं हो रही। हमारे कुछ पदाधिकारियों को बोलने का हम लोगों ने मौका दिए, अपनी बातें रखे, अच्छा सुझाव आया, कुछ कमी भी अगर रह गई वो भी बात आई, और आगे पार्टी को कैसे मजबूत करना है ये दोनों बातें आई है और अच्छा सुझाव भी आया। बिल्कुल नहीं। देखिए पार्टी में हर तरह की बातें होती है लेकिन ज्यादातर बातें पॉजिटिव हुई है, कोई नेगेटिव बात नहीं हुआ है। और हम लोगों ने निर्देशित कर दिए कि हमारे प्रभारी जाएंगे जिले में, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बैठक लेंगे, विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा में बैठक लेंगे और कार्यकर्ताओं की बातें सुनेंगे और जमीनी स्तर तक फिर से हम लोग आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी हम कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग तो चर्चा करना चाहते थे लेकिन हम लोग तब भी 1.5 घंटा लगभग हम लोग सभी पदाधिकारी चर्चा किए। अगला 3 बैठक और हम लोग को करना है इसलिए मैंने कहा है कि अगर कोई बात अगर रखना चाहे नहीं रख पाए हो तो अवश्य मेरे दफ्तर में आकर 28 तारीख के बाद अपनी बातें रख सकते हैं, तो उनके लिए सुनने के लिए हम लोग तैयार। लिखित में कोई जरूरी नहीं है, मैं तो सबसे कह दिया हूँ कि आके मिल ले, अपनी बातें रख ले। जिनको अगर बात रखने का समय नहीं मिल पाया हो तो आके मेरे से कभी भी आके मिल सकते हैं 28 तारीख के बाद। देखिए वो तो कुछ मामले हैं हमारे पास, चुनाव के दौरान कुछ शिकायतें आई थी, वो शिकायतें अभी हम लोग पास अभी पीसीसी में बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई हुई है और कुछ शिकायतें हैं उन पर हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। अभी तो पार्टी के अंदर की बात है, पार्टी के अंदर की बात है, बंद कमरे की बात है, मैं समझता हूँ उसको बाहर करना ठीक नहीं है। हम लोग तो एक परिवार बैठे थे, परिवार के लोग बैठे थे, तो हमारा परिवार की बात है। धन्यवाद। मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई है और ये भी हम आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर रणनीति बनी। हालांकि ये भी यहां पर कहते हुए दीपक बैज नजर आए कि जिन्होंने अपनी बात नहीं रखी है, जिसको कोई निराशा है वो भी आके अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की बैठक कांग्रेस की यहाँ पर हुई। विचार विमर्श चला, मंथन चला लोकसभा चुनाव को लेकर। बता दें आपको कि यहाँ पर रणनीति बनी और ये भी कहते हुए नजर आए कि हमारे कार्यकर्ता अलग अलग विधानसभाओं में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनको साधने की कोशिश करेंगे और जो हार हमारे यहाँ पर हुई है उसकी वजह भी टटोलने की कोशिश यहाँ की जाएगी। तो बता दें आपको कि ये 2 दिनों की बैठक थी कांग्रेस की। मंथन हुआ, लंबा विचार विमर्श चला। 2023 चुनाव में टिकट से वंचित विधायकों की भी यहां पर बैठक हुई क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता और कैंडिडेट्स निकल कर सामने आए हैं जो निराश पार्टी से हैं, जिनको टिकट नहीं दिया गया। साथ ही साथ हार जो यहां पर हुई है कांग्रेस पार्टी की, इसको लेकर लगातार बैठक हुई। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में ये बैठक हुई।